भारत सरकार की नई ड्रोन नीति से मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। आज की डेट में हम तकरीबन 80-90% अदर कंट्रीज के ऊपर रिलायबल करते हैं ड्रोन्स के लिए, पर इस स्कीम के बाद भारत के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, ड्रोन्स के ऊपर काम करने वाले लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बेनिफिट कैसे होंगे, बहुत जॉब्स इसमें निकल करके आएंगी, स्कूल लेवल पे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, क्लास 10th ऑनवर्ड बच्चे ड्रोन पायलट का कोर्स करके जो कि 15 महीने से 2 मंथ तक का है करके 30,000 तक की सैलरी ले सकते हैं। इसके बाद इस स्कीम को और बढ़ाने के लिए 5,000 से 15,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर ड्रोन्स की कंपनी है और जो ड्रोन कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं, जो बनाना चाहते हैं, जिनका ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा था, जो सोच रहे थे हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, उन्हें बहुत इस चीज़ से मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो सर, हिंदुस्तान में जो ड्रोन के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, वो इतने कैपेबल हैं कि उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर बनाएंगे, और जो आपका सवाल है उस टेक्नोलॉजी तक हम पहुंच पाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है जो हमारी ड्रोन कम्युनिटी है उस टेक्नोलॉजी से भी ऊपर जाएगी। आने वाले कुछ वक्त में 2030 तक हिंदुस्तान ड्रोन का एक ग्लोबल मार्केट बनने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से लेकर, एग्रीकल्चर बेस्ड ड्रोन हम बनाएंगे जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप के सेंसर सिस्टम्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे, लॉ एंड इन्फोर्समेंट के लिए ड्रोन बनेंगे, सर्विलांस के लिए ड्रोन बनेंगे, आर्मी के लिए हम ड्रोन्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं। और इसमें इस स्कीम के अंदर जिस चीज़ का बढ़ावा दिया गया है वो है ड्रोन के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान के अंदर करना। अभी हमें अगर कोई चीज़ बनानी है, सम टाइम हमें कोई चीज़ मिल पाती है, कोई हमें पार्ट मिल पाता है, कोई नहीं मिल पाता, अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हिंदुस्तान के अंदर हमें अदर कंट्रीज़ पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस स्कीम से हिंदुस्तान की ड्रोन कम्युनिटीज़ को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और हाँ, आने वाले 2030 तक भारत ड्रोन हब बनने जा रहा है।